एवरी वन आई एम पिंकी शिवाज टूडे आई एम हेयर टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर थ्री आई नाइन्थ स्टैंडर्ड सी बी एस ई द चैप्टर इज फ्रॉम हिस्ट्री एंड दिस वुड बी द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नेम्ड नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर एंड टुडे आईम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर सिक्सटी दिस पैराग्राफ हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कंकरिंग ईस्टर्न यूरोप अब जो हिटलर था पावर में आने के बाद उसका जो पहले समय से बहुत लंबा एम्बिशन एम्बिश एम्बिशन रहा था कि वो ईस्टर्न यूरोप को जीत लेगा उसकी तरफ उसने मूव किया ही वॉन्टेड टू इंश्योर वो इंश्योर करना चाहता था फूड सप्लाईज़ और लिविंग स्पेस जर्मन वासियों के लिए attacked, के ही अटैक उसने सोवियत यूनियन के ऊपर आक्रमण किया नाइनटीन में यही इसकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल थी हिटलर जो था उसको वेस्ट वेस्टर्न फ्रंट से ब्रिटिश जो थी एरियल बॉम्बिंग झेलनी पड़ रही थी उन लोगों को और ईस्टर्न फ्रंट से जो पावरफुल सो ियत आर्मी थी सोवियत रेड आर्मी उन्होंने बहुत ही करारी हार उसको एक ह्यूमिल डिफीट इसको दी जर्मनी को स्टालिंग में उसके बाद जो सोवियत रेड आर्मी थी उन्होंने जर्मन सोल्जर्स का पीछा किया जो, जो लौट भाग रहे थे और बर्लिन तक उनका पीछा किया सो, सोवियत uh, सोल्जर्स ने उसके बाद एस्टेब्लिश जो था पूरी ईस्टर्न यूरोप में जो सोवियत uh, यूनियन था उसकी उसका वर्चस्व कायम हो गया एंड मीन उसके उसके बाद यू एस जो था उसकी रजिस्टेड इन्वॉलमेंट थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो नहीं चाहता था जो इकनॉमिक प्रॉब्लम उसने पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फेस की थी वही वो चीज़ें वो दोबारा भी झेले लेकिन वो लंबे समय तक युद्ध से बाहर नहीं रह सका क्योंकि जापान जो था वो अपनी पावर को ईस्ट में फैलाने की कोशिश कर रहा था उसने फ्रेंच फ्रेंच इंडो चाइना के ऊपर कब्जा कर लिया था और प्लान कर रहा था यूएस नेवल बेस जो था पैसिफिक ओशन में पर्ल हार्बर उसके ऊपर कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहा था और जब जापान ने जापान को हिटलर का सपोर्ट मिल रहा था और उसने यूएस के नेवल फोर्स जो नेवल ठिकाने थे पर्ल हार्बर उसके ऊपर जब उसने बमबारी की तो यू को ज़बरदस्ती सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री करनी पड़ी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाइनटीन जो था उसमें हिटलर की हार के साथ साथ यूएस ने जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराए उसके साथ ये युद्ध जो था वो ख़त्म हुआ इस आ, ये जो ब्रीफ अकाउंट था जो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ अब हम लौटेंगे हेलमुथ जो था उसके फादर और उसकी स्टोरी के ऊपर और ए स्टोरी ऑफ नाजी क्रिमिनलिटी ड्यूरिंग द वॉर नाजी वर्ल्ड वाइड नाजी वर्ल्ड वाइड द ना द क्राइम दैट नाजी कमिटेड कमिटेड वर्ल्ड लिंक टू ए सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड ए सेट ऑफ प्रैक्टिस जो नाजी के जो क्राइम थे जो उन्होंने कमिट किए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो जुड़े हुए हैं एक बिलीव के साथ और एक सेट ऑफ़ प्रैक्टिस के साथ मूल्य के साथ जो मूल्य और मान्यताएँ होती हैं उनके साथ नाजी आइडियोलॉजी जो थी वो इट वॉज सिनोनिमस वो वैसी ही थी जो हिटलर का वर्ल्ड व्यू था वो कैसे सोचता था क्या हाओ अकॉर्डिंग टू दिस उसके अकॉर्डिंग uh, जो कोई भी व्यक्ति जो है लोगों के अंदर इक्वलिटी कभी हो नहीं सकती बल्कि एक रे, रेशियल यार की होती है उनके उसके व्यू में ब्लॉन्ड ब्लू आई वाले जो नॉर्डिक आर्यन थे वो सबसे सबसे टॉप पर माने जाते थे और वाइल्ड जबकि जो ज्यूज लोग थे उनको लोएस्ट उस पर माना जाता था सबसे लोएस्ट उस पर माना जाता था पायदान पर और उसके बीच में दे केम टू बी रिगार्डिड एज़ और ज्यूज जो थे वो सबसे लोएस्ट पायदान पर माने जाते थे उसके मुताबिक ये इनको एंटी रेस माना जाता था और सबसे आर्क एनिमी सबसे कट्टर शत्रु माना जाता था आर्यन लोगों के और जबकि जो वाइल्ड जो अदर कलर जो मिक्स कलर वाले लोग हैं उनको डिपेंड किया जाता था उनके फिजिकल फीचर्स के मुताबिक बीच के पायदानों में अग, हिटलर्स रेशियल उसका जो ये रेशियज़म था हिटलर का उसने वो लिया था दो आ, थिंकर थे चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर बहुत बड़े साइंटिस्ट थे लेकिन ये नेचुरल साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिश की थी चीज़ों को प्लांट्स को एनिमल्स को एक, आ, कि उनके इवोल्यूशन को किस तरीके से हुआ उनके नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर उनको किस तरीके से एक्सप्लेन किया था तो हर्बर्ट स्पेंसर जो था उसने कंसेप्ट uh, uh, सामने रखा आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कि दुनिया में वही लोग सर, वही प्रजातियां uh, जो, जो हैं वो सर्वाइव कर सकती हैं जो अपने आप को बदलते हुए क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट कर लेंगी वी शुड बियर हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए कि डार्विन ने कभी भी एडवोकेट uh, नहीं किया था ह्यूमन इंटरवेंशन को इन वट ही वो क्या सोचता था इट वॉज प्योरली वो एक प्योरली नेचुरल प्रोसेस थी नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन And uh, however, इज़ आइडियाज़ वर्ड लेकिन बाद में जो इनके आइडियाज़ थे हर्बर्ट स्पेंसर और चार्ल्स डाविंग के इनको यूज़ किया गया बहुत सारे रेशिस्ट लोगों के द्वारा पॉलिटिशियंस के द्वारा क्योंकि जो पॉलिटिशियंस होते थे वो अपने इम्पीरियल रूल को कॉन्कर्ड uh, जो उनके जीते हुए लोग थे उनके ऊपर uh, किस तरीके से उनको रूल करना है उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए ये लोग इस थ्योरी को यूज़ करते थे कि जो फिट है वही जिएगा द नाजी आर्ग्यूमेंट वॉज सिंपल नाजी लोगों का जो आर्ग्यूमेंट था वो बहुत ही सिंपल था स्ट्रॉगेस्ट रेस वुड जो सबसे स्ट्रॉन्ग जाती है नस्ल है वो जिएगी बाकी जो वीक हैं कमज़ोर हैं वो ख़त्म हो जाएंगी आर्यन रेस जो थी वो सबसे फाइनेस्ट मानी जाती थी और इसको अपनी प्योरिटी को बनाए रखना चाहिए बरकरार रखना चाहिए इसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉगर बनना चाहिए इसको डोमिनेट करना चाहिए पूरे वर्ल्ड को ये नाजी लोगों का वर्ल्ड व्यू था इ द अदर एस्पेक्ट हिटलर का जो दूसरी आइडियोलॉजी का दूसरा पहलू जो था वो जुड़ा हुआ है जोग्रफिकल कंसेप्ट लेबरिज़म के साथ लेबरलिज्म का मतलब होता है लिविंग स्पेस वो ऐसा मानता था कि नई टेरिटरीज़ को एक्वायर करना चाहिए सेटलमेंट बनाने के लिए उसके व्यू में जो जिससे इन्हेंस होगा जो उनकी मदर कंट्री है जो जर्मनी है उसके एरिया को इन्हेंस किया जाना चाहिए बढ़ाया जाना चाहिए और वो कैसे होगा दूसरे कंट्रीज़ को जीत कर एंड लोगों को नए लैंड मिलेंगे और उनका जो प्लेस ऑफ रीजन है उससे वो जुड़े रहेंगे इट वुड आल्सो इनहेंस। इससे क्या होगा मटेरियल रिसोर्स हैं और जो जर्मन नेशन है उसकी पावर भी बढ़ेगी और मटेरियल रिसोर्स भी बढ़ जाएंगे दूसरे देशों को जीत कर हिटलर इंटेंटेड टू एक्सपेंड हिटलर चाहता था कि जो जर्मनी है उसकी बाउंड्रीज को एक्सपेंड किया जाए स्पेशली ईस्ट की तरफ टू कंसनट्रेट ताकि जो जितने भी जर्मन वासी हैं जोग्राफिकली एक ही जगह पर कंसनट्रेट हो जाएं पोलैंड जो था वो इसका एक्सपेरिमेंट की पहली लेबोरेटरी बना अब है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट वंस इन पावर एक बार पावर में आने के बाद जो नाजी थे क्विकली बिगेन टू इम्प्लीमेंट उन्होंने अपना जो पुरा एक सपना था ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्यूनिटी की एक विशिष्ट समुदाय के लिए एक रेशियल कम्युनिटी के लिए जगह क्रिएट की जाए प्योर जर्मन्स जो हैं सिर्फ वही इस कम्युनिटी के सदस्य हों बाय फिज़िकली और ये कैसे होगा बाय फिज़िकली एलिमिनेटिंग ऑल दोज वर सीन एज अनडिज़ल जितने भी अनडिज़ाइबल लोग थे उनको हटा दिया जाए और डिजाइबल कौन था प्योर नॉर्डिक जर्मन आर्यन और नाजी वांटेड ओनली नाजी चाहते थे कि सिर्फ एक ऐसा समाज बने सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉडिकारियन जिसमें सिर्फ प्योर और हेल्दी नोडिकारियन ही रहें सिर्फ वही उनको ही कंसीडर किया जाता था डिज़ायरेबल के तौर पर ओनली वैन ओनली दे वर सीन उनको ही माना जाता था कि वर्थ ऑफ प्रॉस्परिंग की उनको ही प्रॉस्पर होने का और ज़्यादा संख्या में बढ़ने का अधिकार है और इनको ही क्लासीफाई ऐसे लोगों के खिलाफ जो थे दिस मीन दैट इसका मतलब ये कि जितने भी जर्मन वासी थे वो अर सीन एज इम्प्योर एंड एबनॉर्मल जिनको इमप्योर माना जाता था या एबनॉर्मल माना जाता था उनको जीने का कोई भी अधिकार नहीं था अंडर द यूथेंसिया प्रोग्राम जो भी यूथेंसिया जो इच्छा मृत्यु का प्रोग्राम चलाया गया था हेलमुस का जो फादर था दूसरे नाजी लोगों के साथ दूसरे नाजी ऑफिशल्स के साथ इस अपराध में शामिल था जिसमें बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था जिनको जो भी फिज़िकली और मेंटली अनफिट थे उनको यूथेंसिया प्रोग्राम के तहत मार दिया जाता था यूथेंसिया प्रोग्राम के तहत और उनमें हेलमुद का फादर भी शामिल था ज्यूज वर नॉट ओनली कम्युनिटी दैट ज्यूज अकेले ऐसे नहीं थे जिनको अनडिजेबल माना जाता था देयर वर बहुत सारे दूसरे भी थे जैसे जिप्सी हो गए जो जो ब्लैक हो गए जो नाजी जर्मनी में रह रहे थे उनको इन्फीरियर माना जाता था रेशियल इन्फीरियर समझा जाता था जो कि वो थ्रेटन द बायोलॉजिकल इंप्योरिटी ऑफ सुपीरियर आयरन रेस जो कि बहुत बड़ा ख़तरा थे बायोलॉजिकल प्योरिटी जो आर्यन लोगों की बायोलॉजिकल uh, प्योरिटी है उसके लिए बहुत बड़ा ख़तरा माने जाते थे बाद में दे वर वाइडली प्रोजीक्यूटेड बाद में इनको प्रजिक्यूट किया जाक्यूट uh, का मतलब होता है कि एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड पनिशमेंट ऑफ दोज हु बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ रिलीजन जो और इनके इवन uh, रशियन और जो पोल्स लोग थे इनको सब ह्यूमन माना जाता था इसीलिए इनको इनको इनके साथ कोई भी ह्यूमैनिटी नहीं रखनी चाहिए वो ऐसा समझते थे वन जर्मनी जब जर्मनी ने पोलैंड को ऑक्यूपाई किया रशिया के कुछ पार्ट्स को ऑक्यूपाई किया तो जितने भी कैप्चर्ड सिविलियंस है जिनके भी जितने भी नागरिकों को कैप्चर किया गया था इनको ज़बरदस्ती स्लेव लेबर करवाया जाता था इनमें से बहुत सारे स्टावेशन की वजह से मर गए भूखमरी की वजह से मर गए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की वजह से मारे गए ज्यूज जो थे दे रिमेन द वर्स्ट सफ़र ड्यूरिंग नाजी जर्मनी नाजी जर्मनी में सबसे ज़्यादा जो सफ़र किया वो थे ज्यूज लोग नाजी हेटर्ड ऑफ ज्यूज नाजी लोगों की जो नफरत थी ज्यूज लोगों के लिए दुश्मनी जो थी वो पहले से एक जो ट्रेडिशन चली आ रही थी क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी क्रिश्चियन लोगों के साथ जो दुश्मनी थी के वो पहले से ही चली आ रही थी उनको एक मतलब ऐसा मान लिया गया था कि वर द किलर्स ऑफ क्राइस्ट उनको जीजस क्राइस्ट का किलर माना जाता था और यूजर सूदखोर माना जाता था जो इंटरेस्ट खाते थे मेडाइबल टाइम तक जियूज़ जो थे उनको कोई भी लैंड ज़मीन नहीं खरीदने दी जाती थी वो सरवाइव करते थे सिर्फ व्यापार और मनी लैंडिंग के ज़रिए से दे लिड इन सेपरेटली वो अलग से मार्क्ड किए गए एरियाज होते थे जिनको गेटोज किया जाता था वहाँ वो रहते थे एंड ऑफन और कई बार उनको प्रोसिक्यूट किया जाता था पीरियोडिक ऑर्गेनाइज कई बार और वॉयेंस ऑर्गेनाइज वायलेंस होती थी इनके खिलाफ और इनको इनकी ज़मीन से निकाल दिया जाता था हावर जबकि जो हिटलर था उसकी जो नफरत थी जीव लोगों के लिए वो एक स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ रेस मतलब कोई भी सिद्धांत नहीं है इसके पीछे वो उसकी जो थ्योरी थी रेस की नस्ल की उसके हिसाब से उस गलत सिद्धांत के ऊपर इसकी जो नफरत थी वो आधारित थी विच हेल्ड द दैट वो ऐसा मानता था कि कन्वर्जन व नॉट द सोल्यूशन टू द जियस प्रॉब्लम कि ये जो जियस लोगों की प्रॉब्लम है जियज नाम की जो समस्या है इसका कन्वर्जन यानी कि धर्म परिवर्तन इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है इसको सॉल्व किया जा सकता है बाय टोटल एलिमिनेशन इनको टोटल तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाए तभी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है उन्नीस सौ मीन्स 1933 से 1938 तक नाजी जो थे उन्होंने टेरराइज किया आतंकित किया पॉपराइज किया मेंस ह्यूमिलेट किया इनको सिगरेट सिगरेटेड मेंस अलग थलग कर देना ज्यूज लोगों को और कंपेल किया इन लोगों को ज़बरदस्ती बाध्य किया कि वो देश को छोड़कर चले जाएं नेक्स्ट फ़ेज़ जो आया 1939 से 1945 के बीच में इट एम्ड एट कंसंट्रेटिंग दैम इन सर्टेन एरियाज़ दैट इवेंचुअली किलिंग दैम इन गैस चैम्बर्स इन पोलैंड और नेक्स्ट फेज़ नाइनटीन से नाइनटीन के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो समय था इसमें इन सारे लोगों को कंसनट्रेट एक ही जगह पर कंसंट्रेट करके इनको गैस चैंबर्स में ले जाकर पोलैंड में मार दिया गया अब है रेशियल यूटोपिया यूटोपिया का मतलब होता है कि इन पॉसिबल थिंग मतलब ऐसी काल्पनिक चीज़ जो सच में होना मुश्किल है अंडर द शेडो ऑफ वॉर ये जो लड़ाई चल रही थी इसकी आड़ में जो नाजी जो थे उन्होंने प्रोसीड किया टू रियलाइज़ देयर मर्डरस रेशियल आइडियल एंड जिनोसाइड एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कोइन तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आड़ में नाजी जो थे वो प्रोसीड कर रहे थे उनका जो कातिलाना और उनका जो नस्ल भेदी जो आइडियल था और जेनोसाइड मतलब नरसंहार कितने सारे लोगों को एक साथ में मार देना वो होता है जेनोसाइड तो वॉर जो था एक साइड में ये सारी चीज़ें चल रही थी दूसरी साइड में वॉर चल रही थी दोनों ही सेम एक सिक्के के पहलू हो रहे थे ऑक्यूपाइड इन लोगों ने पोलैंड को ऑक्यूपाई किया उसको डिवाइड कर दिया पोलैंड को डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में जो नॉर्दर्न वेस्टर्न पोलैंड था उसको अनेक्स कर ले, उसको जर्मनी के अंदर मिला लिया गया पोल्स वर फोज पोलैंड वासी जो थे उनको ज़बरदस्ती अपने घरों को छोड़कर अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर जाना था क्योंकि पीछे जो जर्मन वासी जो एथनिक जर्मन थे वो इस जो जर्मनी के जो लोग दूसरे देशों में रह रहे थे यूरोप के दूसरे जगह पर रह रहे थे वो लोगों को इन पोलैंड वासियों की प्रॉपर्टी को रखना था पोल्स वर देन हर्डेड पोलैंड वासियों को फिर भेड़ बकरियों की भांति या कैटल की भांति हाँक कर एक एरिया में ले जाया गया जिसको कहा जाता था जनरल गवर्नमेंट द डेस्टिनेशन ऑफ ये एक डेस्टिनेशन था जितने भी ऑल अन डिजाइबल लोग थे उनको रखा जाता था इस जगह पर जिसका नाम था जनरल गवर्नमेंट मेम्बर ऑफ द पॉलिश इंटेलिजेंस वॉर मर्डर जितने भी पॉलिश इंटेलिजेंसिया के जो आ, मेंबर थे वो उनको यहाँ पर मर्डर किया गया उनको मारा गया यहाँ पर एंड इन द लार्ज मेंबर्स ऑफ अदर टू कीप एंटायर ताकि अब जब इन पोलैंड वासियों के लीडर्स को ही यहाँ पर जब मार दिया गया ताकि सारे जितने भी पोलैंड वासी हैं वो इंटेलेक्चुअली और स्परिचुअली सर्वाइल मतलब खाली हो जाए मतलब उनका मॉरल टूट जाए पोलिश चिल्ड्रन पोलैंड के ऐसे बच्चे जो आर्यन के आर्यन लोगों के जैसे दिखाई देते थे उनको ज़बरदस्ती उनकी माओ की गोद से छीन लिया गया उनको एग्जामिन करवाया गया रेस एक्सपर्ट्स के द्वारा इफ़ दे पास अगर वो इस रेस टेस्ट में पास हो जाते तो उनको जर्मन फैमिली जो थी वो पालती पोसती थी और अगर वो इस टेस्ट में पास नहीं होते तब उनको डिपॉजिट किया जाता था और में अनाथालयों में जहाँ पर इनमें से ज़्यादा बच्चे मर जाते थे विद सम ऑफ द लार्जेस्ट गैथोज एंड गैस चैम्बर द जनरल गवर्नमेंट ऑल्सो सर्व एज किलिंग फील्ड्स फॉर द जीव ये जो यहाँ पर बहुत सारे गैथ थे, बहुत सारे गैस चैम्बर्स थे जो जनरल गवर्नमेंट का पार्ट था उसके साथ साथ जनरल गवर्नमेंट का जो पार्ट था उस, उसको किलिंग फील्ड के तौर पे भी देखा जाता था जीव लोगों के लिए यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है दिस इज़ वन ऑफ द फ्रीट कार्ड यूज टू डिपोर्ट जीव टू द डेथ चैम्बर्स उसके बाद स्टेप्स टू डेथ दिखाया गया है एक्सक्लूजन दिखाया गया है कि नागरिकों को निकाल दिया जाता था एक जगह से दूसरी जगह बॉयकॉट किया जाता था उनको उसके साथ साथ गैटो गेतो, गेतो, दिखाया गया है उसके बाद एनिहिलेशन दिखाया गया है सर्वनाश जो था और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के शूज़ टेकन अवे आव, फ्रॉम प्रिजनर्स बिफोर फाइनल सोल्यूशन फाइनल सोल्यूशन का मतलब है कि मार दिया जाना तो अलग अलग स्टेप थे ये मौत के अलग अलग रास्ते उसके बाद है यूथ इन नाजी जर्मनी हिटलर वाज हिटलर वाज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ कंट्री मतलब हिटलर का एक जुनून जुनूनी तौर पर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था उस देश की यूथ में वो ऐसा फ़ील करता था कि नाजी सोसाइटी जो है उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा ओनली बाय टीचिंग चिल्ड्रन कि जब बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी सिखाई जाएगी तब जाकर नाजी समाज जो होगा उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा इसके लिए क्या रिक्वायर्ड था कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड कि बच्चों को अंदरूनी और बाहरी तौर दोनों तौर से वो दोनों तरीके से बच्चों के दिमाग के ऊपर कंट्रोल किया जाए और बच्चों को पूरी तरीके से जो नाजी विचारधारा है वो सिखाई जाए व्हाट हैपन्ड इन द स्कूल अंडर नाजिज़म ये पूरा पैराग्राफ आपका क्वेश्चन भी है इसकी फ़र्स्ट लाइन ही आपका क्वेश्चन है कि क्या हुआ था स्कूलों नाज, में नाज़म के अंडर में आ, जितने भी स्कूल थे उनको क्लीन किया गया प्योरीफाइड किया गया इत का इसका मतलब टीच द टीचर्स ऐसे टीचर्स जो जीव थे या फिर जिनको पोलिटिकली अनरेबल un, माना जाता था जिनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता था उन सभी टीचर्स को डिसमिस कर दिया गया बच्चों को पहले से ग्रेटिड मतलब अलग अलग किया गया जर्मन बच्चों को जीव बच्चों को अलग अलग किया गया और ये बच्चे साथ में नहीं बैठ सकते थे ना साथ में खेल सकते थे बाद में अनडिज़ाइबल चिल्ड्रन जो भी अन डिज़ाइबल चिल्ड्रेन थे जैसे कि ज्यूज़ के हो गए या फिजिकली हैंडी कैप बच्चे हो गए जिप्सी लोगों के हो गए उनको स्कूलों से बाहर फेंक दिया गया एंड फाइनली और फाइनली नाइनटीन फोर्टी में देवर टेकन और फाइनली नाइनटीन फोर्टी तक आते आते इन सारे बच्चों को जो भी अन डिज़ाइबल थे इनको गैस चैम्बर्स में ले जाया गया गुड जर्मन चिल्ड्रन वर्ड सब्जेक्टेड टू ए प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग जो अच्छे जर्मन बच्चे माने जाते थे उनको नाजी स्कूलिंग की प्रोसेस के तहत गुजारा जाता था एक प्रोलॉन्ग पीरियड होता था जिसमें आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती थी बच्चों को स्कूल की जो टेक्स्ट बुक्स थी उनको दोबारा से लिखा गया Means उसमें नाजी विचारधारा सब लिखी गई सभी बुक्स में रेशियल साइंस जो थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज ऑफ रेस एक नई रेशियल साइंस को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि जस्टिफाई किया जा सके जो नाजी लोगों के आइडियाज हैं रेस को लेकर नस्ल को लेकर स्टीरियोटाइप्स अबाउट ज्यूज वर पॉपुलराइज इवन थ्रो मैथ क्लासेज चिल्ड्रेन वर्क टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिशि जीरो टाइप अबाउट जीव का मतलब है कि जीव लोगों के लिए जो भी विचारधारा एक सेट कर देगी कि जीव लोग इस तरीके से बुरे होते हैं गल, ग, गलत होते हैं उसको दिखाने के लिए बच्चों को मैथ क्लासेस स्पेशली मैथ क्लासेस ली जाती थी यहाँ पर एक पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि एक बच्चा जो है वो कुछ फ़ोटो बनाया हुआ है वो सिखा रहा है वो बच्चा द जीव नोज इज़ बेंट एट इट्स पॉइंट वो दिखा रहा है कि जीव लोगों की और इस इट लुक्स लाइक नंबर सिक्स और ये एक बच्चा दिखा रहा है कि जो सिक्स है वो आगे से किस तरीके से मुड़ा हुआ है और ये बिल्कुल वैसे ही दिखता है नंबर सिक्स जैसे कि ज्यूज़ लोगों की नाक होती है आगे से मुड़ी हुई इस तरीके से बच्चों को सिखाया जा जाता था जो स्टीरियोटाइप थी बातें उनको एंड चिल्ड्रन वर टॉट यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता था कि उनको वफादार रहना है से uh, रहना है आज्ञाकारी बनना है और नफरत करनी है और, ये लॉयल और से रहना है हिटलर के प्रति और नाजीजम आइडियोलॉजी के प्रति और नफ़रत करनी है जीव के साथ एंड वर्शिप हिटलर और हिटलर की पूजा करनी है इवन द फंक्शन एंड ऑफ स्पोर्ट वॉज टू नर्चर ए स्पिरिट ऑफ वायलेंस यहाँ तक कि जो स्पोर्ट्स सिखाया जाता था वो भी इस तरीके उसका भी काम यही था स्पोर्ट्स सिखाने का भी मतलब यही था कि बच्चों के अंदर जो वायलेंस की स्पिरिट है उसको बढ़ाया जाए बच्चों के एग्रेस बच्चों के अंदर एग्रेशन ज़्यादा जो है वो आक्रामकता उसको ज़्यादा फील किया जाए हिटलर बिलीव दैट वो ऐसा मानता था कि बॉक्सिंग जो है वो बच्चों को आयरन हार्टेड बना सकती है स्ट्रॉन्ग और मेस्कुलन बना सकती है उसके बाद यूथ ऑर्गेनाइजेशन की व्हाट काइंड ऑफ यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर देयर ड्यूरिंग नाजी जर्मनी कि किस के तरीके के जो युवा संगठन थे वो नाजी जर्मनी में थे यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशन National Socialism. नए नए युवा संगठन जो थे उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया ताकि जर्मन की जो यूथ है जर्मन के जो युवा लोग हैं उनके अंदर एक स्पिरिट इंस्टिल की जाए नेशनल सोशलिज्म की दस साल के जो बच्चे थे उनको एंटर होना होता था यंग फोक में उसके बाद चौदह साल के जो बच्चे थे उनको ज्वाइन करना होता था नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन हिटलर यूथ वेयर जहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता था टू वर्शिप वॉर ग्लोरीफाई एग्रेशन एंड वॉयलेंस एंड कंडेम डेमोक्रेसी और बच्चों को सिखाया जाता था कि वो हमेशा डेमोक्रेसी की बुराई करें उसकी आलोचना करें और नफरत करें जीवस के साथ और ऐसी कम्यूनिटीज़ जो जिप्सी हैं और जितने भी कैटेगराइज़ किए गए थे अनडिज़बल उनको आफ्टर ए पीरियड ऑफ रिगरीस और इसके बाद एक बहुत ही लंबी कठोर जो आइडियोलॉजिकल और फिज़िकल ट्रेनिंग होती थी उसके बाद जो बच्चे होते थे उनको ज्वाइन करना होता था लेबर सर्विस यूजअली अठारह साल की बाद दे देन दे हैड टू सर्व उसके बाद जो आर्म्ड फोर्सेज होती थी उनको सर्व करना होता था इनको एंटर वन कोई भी नाजी ऑर्गेनाइजेशन जो होती थी उसको इनको कंपलसरी ज्वाइन करना होता था द यूथ लीग ऑफ नाजी वॉज फाउंड यूथ लीग ऑफ नाजी जो थी उसको फाउंड किया गया था नाइनटीन ट्वेंटी टू में फोर ईयर्स चार साल के बाद इसका नाम बदल के रख दिया गया था हिटलर यूथ टू यूनिफाई द यूथ मोमेंट अंडर नाज़ी कंट्रोल ताकि जितने भी यूथ मोमेंट हैं उनको यूनिफाई उनको एकजुट किया जा सके नाजी कंट्रोल के अंडर जितने भी अलग दूसरे ऑर्गेनाइजेशन थे उनको धीरे धीरे डिसॉल्व कर दिया गया या फिर फाइनली बैन कर दिया गया उसके बाद है द नाज़ी कल्ट ऑफ मदरहुड कि मातृत्व का क्या योगदान था उनको किस तरीके से देखा जाता था मदरहुड को किस तरीके से ट्रीट किया जाता था चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर रिपीटेडली टोल्ड बच्चों को लगातार नाजी जर्मनी में सिखाया जाता था दैट मदर वर रेडिकली कि माएँ जो हैं वो पहले से ही आदमियों से मतलब वुमेन जो हैं वो मैन से बिल्कुल अलग हैं द फाइट फॉर इक्वल राइट जो भी फाइट हो रही है इक्वल राइट right, जो औरतें जो फाइट कर रही हैं इक्वल राइट के लिए वो बिल्कुल गलत है, और डेमोक्रेटिकली जो स्ट्रगल हो रहे हैं दुनिया में वो पूरा तरीके से रॉन्ग है जिसकी वजह से पूरी जो समाज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा जबकि बच्चों को लड़कों को हमेशा सिखाया जाता था कि उनको एग्रेसिव बनना है मेस्क्यूलाइन बनना है स्टील हार्टेड बनना है लड़कियों को क्या सिखाया जाता था दैट दे हैड टू बिकम कि लड़कियों को अच्छी माँ बनना है एंड उनको प्योर ब्लडेड आर्यन जो बच्चे हैं उनको बड़ा करना है गर्ल्स हैड टू रिमेन कि लड़कियों को मेंटेन करनी है उनकी जो नस्ल है उसकी प्योरिटी को और उनको डिस्टेंस बना के रखना है किसके साथ जीव लोगों के साथ या जो भी अनडिजेबल माने जाते थे उनसे एंड टीच देअर चिल्ड्रेन और लड़कियों को ये अपने, आ, जो आगे जा के माँ बन रही उनको बच्च, अपने बच्चों को ये भी सिखाना है कि नाजी वैल्यूज़ क्या हैं देड टू बी बीरर्स ऑफ आर्यन कल्चर एंड ड्रेस और यही आर्यन ड्रेस और कल्चर को आगे बढ़ाने वाली होंगी इन नाइनटीन थर्टी थ्री हिटलर सैड 1933 में हिटलर ने कहा था और ये स्टेटमेंट आपका पूरा क्वेश्चन भी बनती है कि इन माय स्टेट द मदर्स इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज़न हिटलर ने ये बोला था कि मेरे स्टेट में जो माए हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट सिटीज़न है उसने ऐसा क्यों कहा था बिकॉज बट इन नाजी हालांकि उसने इम्पोर्टेंट सिटीज़न का दर्जा दिया था माओ को लेकिन ऐसा सच में बिल्कुल भी नहीं था नाजी जर्मनी में ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली सारी माओं को इक्वली ट्रीट नहीं किया जा सकता था किया जाता था वुमेन हु बोर रेशियली अनडिज़ल चिल्ड्रन ऐसी माएँ जिन्होंने ऐसे अन बच्चों को पैदा किया था उनको पनिशमेंट दी जाती थी और वो प्रोड्यूस रेशियली डिजाइबल लेकिन जो रेशियली डिजाइबल बच्चों को पैदा कर रही थी उन माओ को अवार्ड दिया जाता था उन देर गिवन उनको फेवरेबल ट्रीटमेंट मिलता था हॉस्पिटल्स में जो भी प्योर ब्लडेड नॉर्डेकारी बच्चों को पैदा करती थी उनको हॉस्पिटल्स में भी अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था उनको कन्सेशन मिलते थे दुकानों में रेलवे जो थिएटर टिकट थे रेलवे फेयर्स में सब में उनको कन्सेशन मिलता था टू एनकरेज वेमेन ताकि औरतों को एनकरेज किया जाए कि ज़्यादा ज़्यादा बच्चे उनके हों इसलिए उनको सम्मान दिया जाता था क्रॉसेज वर अवार्डेड उनको क्रॉस दिए जाते थे ब्रॉन्स जो क्रॉस था वो दिया जाता था ऐसी माँ जिसके चार बच्चे होते थे सिल्वर दिया जाता था जिसके छः बच्चे होते थे और गोल्ड दिया जाता था जिनके आठ से ज़्यादा बच्चे हों ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्योर नोडे गारेन बच्चे पैदा किए जाएँ ऑल आर्यन वूमेन हु डेविएटिड फ्रॉम द प्रस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट ऐसी आर्यन माएँ जो डेविएट मतलब उल्लंघन जिन्होंने एक जो अचार जो प्रेस्क्राइब्ड कोड था कि भई आपको ऐसे करना है ऐसे नहीं करना है उस रास्ते से जो भटक जाती थी उनको पब्लिकली उनको पूरे समाज के सामने उनको कंडेम किया जाता था उनकी उनकी आलोचना की जाती थी उनको सिविली पनिशमेंट दी जाती थी जो दो जिन्होंने भी कोई भी कॉन्टैक्ट बना के रखा था जियोज़ के साथ पोस्ट पोल्स के साथ रशियंस के साथ उनको पूरे उनका सिर मंडवा कर उनका फेस को ब्लैक करके उनको पूरे शहर के बीच में से उनको परेड करवाई जाती थी उनके गले में एक तख्ती टांग दी जाती थी अनाउंसिंग आई हैव सोलिड द ऑनर ऑफ द नेशन उसमें लिखा होता था कि मैंने अपने देश की जो सम्मान है उसको खराब किया है मलिन किया है मैनी रिसीव्ड जेल सेंटेंसेस बहुत सारी औरतों को जेल की सज़ा सुनाई गई एंड लॉस्ट और उनका जो नागरिक सम्मान होता था वो उन्होंने खो दिया उसके साथ साथ एज़ वेल एज देयर हस्बैंड फैमिलीज़ फॉर देयर क्रिमिनल ऑफेंस उसके साथ साथ उनके जो पति होते थे उनके जो परिवार होते थे उनको इस क्रिमिनल ऑफेंस के तहत सभी के साथ इतना बुरा सलूक किया गया चाहे उनके परिवार के सदस्य हों चाहे उनके हस्बैंड हो उनको भी जेल की सज़ा सुनाई गई और उनका नागरिक सम्मान उनसे छीन लिया गया आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा तो ये था कि किस तरीके से हाउ मदर्स वर्ड ट्रीटेड ड्यूरिंग नाजी जर्मनी तो उसके बाद है आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा व्हाट वाज़ द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा किस तरीके से प्रचार करते थे कि नाजी जो आइडियोलॉजी थी उसको किस तरीके से फैलाया जाता था द नाजी रेजिम यूज लैंग्वेज एंड मीडिया जो नाजी रेजिम था अम्पायर था वो इतने सावधानी के साथ लैंग्वेज और मीडिया का इस्तेमाल करता था और कई बार इसका बहुत ज़्यादा ग्रेट इफ़ेक्ट भी होता था जिस जो टर्म्स यूज़ करते थे टू तो डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिसेस आर नॉट ओनली डिसेप्टिव दे आर चिलिंग जो भी टर्म्स वो यूज़ करते थे उनके अलग अलग कामों को करने के लिए वो टर्म्स ना ही सिर्फ डिसप्टि मतलब चीट चीट करने वाली हैं दे बल्कि वो एकदम डरा देने वाली हैं नाजी नेवर यूज़ नाजी लोगों ने कभी भी ऐसे वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जैसे किल हो गया मर्डर हो गया इनको वो कभी भी अपनी कम्युनिकेशंस में यूज़ ही नहीं करते थे मास किलिंग जो थी यहाँ पर हर एक जो मास किलिंग का मतलब बड़ी मात्रा में लोगों को एक साथ में मार देना इसको टर्म दिया जाता था स्पेशल ट्रीटमेंट या फाइनल सॉल्यूशन स्पेशली जीव के लिए यूथेंजिया जो था वो डिसेबल्ड लोगों के लिए और सिलेक्शन एंड डिस इन्फेक्शन इसका मतलब था लोगों को डिपोर्ट करना गैस चैम्बर्स तक डू यू नो वट द गैस चैम्बर्स वर कॉल्ड गैस चैम्बर्स को क्या कहा जाता था डिसफेक्शन एरियाज एंड लुक लाइक बाथरूम्स और ये जो डिस गैस चैम्बर्स थे ये बड़े बड़े बाथरूम्स के जैसे दिखाई देते जहाँ पर नकली के शावर हेड्स भी लगे हुए थे मीडिया ये तो हो गया कि वो लैंग्वेज किस तरीके से इस्तेमाल करते थे मीडिया जो थी वो मीडिया वॉज केयरफुली यूज़ टू विन सपोर्ट मीडिया का बहुत सावधानी से इस्तेमाल किया जाता था ताकि वो इनके नाजी एम्पायर के लिए को पॉपुलराइज़ पुल, कर सके लोगों का सपोर्ट हासिल कर सके नाजी के जो आइडिया थे इनको स्प्रेड किया जाता था विजुअल इसको इमेज़ बनाई जाती थी या फिल्म बनाई जाती थी रेडियो पर पोस्टर या फिर कैची स्लोगन्स रखे जाते थे लिफलेट्स रखे जाते थे पोस्टर्स जो थे इन पोस्ट ग्रुप आइडेंटिफाइड एज द एनिमीज ऑफ जर्मन स्टीरियोटाइप जितने भी नाजी एम्पायर के दुश्मन माने जाते थे उनको इस तरीके से प्रजेंट किया जाता था जो कि स्टीरियोटाइप तरीके से उनके ऊपर उनका मजाक उड़ाया जाता था उनको गालियाँ दी जाती थी एंड डिस्क्राइब्ड एज इविल और उनको इविल के तौर पर बुराई के तौर पर उनको दिखाया जाता था सोशलिस्ट में कौन कौन लोग थे सोशलिस्ट मतलब समाजवादी लोग लिबरल्स उदारवादी सोच वाले लोग वर रिप्रजेंटेड एज वीक एंड एंड डी इनको रिप्रेजेंट किया जाता था एक वीक इंसान के तौर पर और डी मतलब जो अपने रास्ते से भटके हुए लोग हैं उस तरीके से प्रेजेंट किया जाता था वर अटैक्ड एज मशियस फॉरन एजेंट्स इनको माना ऐसा माना जाता था कि ये बदनाम फॉरन एजेंट्स हैं एंड प्रोपिगेंडा फिल्म प्रचार के लिए फिल्म बनाई जाती थी टू क्रिएट हेटर फॉर जूस ताकि जूस लोगों के साथ नफरत क्रिएट की जा सके द मोस्ट इन फेमस फिल्म इनमें से एक इन फेमस फिल्म थी जिसका नाम है इटर्नल जू औरथोडॉक्स जूज वर्ड जो ऑर्थोडॉक्स जूज थे उनको रिप्रजेंट किया जाता था स्टीरियोटाइप्स और उनको मार्क किया जाता था उनको दिखाया जाता था देवर शोन एज फ्लोइंग बियस वियरिंग uh, काफ्तान्स इनको दिखाया फिल्म में या पिक्चर्स में इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता था जीवस को कि इनकी बहुत लंबी लंबी दाढ़ी है और चोगा पहने हुए है काफ्तान मतलब एक पूरा ओवरऑल एक कपड़ा होता है वो पहने हुए दिखाया जाता था जबकि रियलिटी में अलग ज, जो जर्मन जीव है उसको उसकी बाहरी अपीयरेंस है उसको पहचाना पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल था बिकॉज़ दे वर हाईली एसीमिलेटेड कम्यूनिटी क्योंकि जर्मन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा एसिमिलेट हो, हो चुकी कम्युनिटी थी अब आप जिनके साथ हम रह, रहते जाते हैं कई पीढ़ियों तक तो हम उनके जैसे ही हो जाते हैं तो ये लोग जो जीव थे जर्मनी के जू जीव थे वो बिल्कुल उनके जैसे ही दिखाई देते थे बाहर से उनको पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल था दे वर रेफर्ड एज इनको क्या कहा जाता था वर्मिन मतलब केंचुआ रेड पेस्ट कीड़ा इनको इस तरीके से दिखाया जाता था देयर मूवमेंट्स वर कम्पेयर टू दोज ऑफ रोडेंट्स इनकी जो मूवमेंट्स हैं इनको कंपेयर किया जाता था रोडेंट्स के साथ मतलब कुतरने वाले नाजिजम वर्कड ऑन द माइंड्स नाजिज़म जो था उसने लोगों के दिमाग के ऊपर काम किया और उनकी जो इमोशंस थी उनको भड़काने की कोशिश की एंड टर्न देयर हेटेड एंड एंगर्ड एट दोज मार्क्ड एज और नाजी लोगों ने क्या किया कि जितने भी अनडिज़ाइबल लोग थे जो जिप्सी हैं जियोज़ हैं इनके खिलाफ जो जर्मन आर्यन लोग थे जर्मनी के जो लोग थे उनके दिमाग में इस तरीके से उनकी इमोशंस को टैप करना शुरू किया उनको भड़काना शुरू किया ताकि इन लोगों के मन में इनके प्र बहुत ज्यादा नफरत जो है वो उभर के सामने आए जिनको भी हिटलर जो था वो अनडिजेबल मानता था नाजी मेड इक्वल एफर्ट टू अपील टू द ऑल डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन नाजी लोगों ने पूरे तरीके से इक्वल एफर्ट किए ताकि जितने भी समाज के सेक्शन हैं अलग जो पॉपुलेशन के सेक्शन हैं उनको अपील किया जाए उनके दे सॉच टू विन द वो उन्होंने पूरी कोशिश की कि लोगों का पूरा सपोर्ट उनको मिले एंड सजेस्टिंग दैट नाजी और ये भी सजेस्ट किया कि नाजी जो है वो एक अकेला ही आ, आ, जो नाजी जो लोग हैं वही हर एक प्रॉब्लम का सोलूशन है पूरी समाज के लिए डैट सेट इन दिस वीडियो